अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी के भज्जे की रेसिपी, जिसे हमारे यहाँ पात्रा भी बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे अरवी के पत्ते 250 ग्राम थे, उस क्वांटिटी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। सब चीज़ आपके जितने हो आप उस क्वांटिटी से ले सकते हो। तो हमें ले लेना है उसके लिए 1/2 कटोरी पुदीना, उसको वॉश करके डाल देंगे मिक्सर में। एंड मैं डाल दे रही हूँ 10-15 लहसुन की कलियाँ एंड 10-15 हरी मिर्ची ली थी। फिर मैंने ले ली थी 1 कटोरी धनिया, उसे भी वॉश करके मैंने इसमें कट करके डाल दी हूँ। 2 छोटा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाली हूँ। एंड हमें इसे फाइन पीस लेना है, तब पहले में हम इसे निकाल लेंगे। एंड उसमें मैंने डाली थी 2 बड़ा चम्मच बेसन और 1 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाल दी थी। फिर हमें इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है हमें इसमें। एंड 1 चम्मच हमें इसमें नींबू निचोड़ देना है। फिर हमें इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत लगेगी थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएँगे एंड इसे मिक्स करते जाएँगे। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच जिसमें मैंने सब्ज़ी मसाला भी डाल दी थी उसका मैं क्लिप नहीं ली थी। एंड इसे हमें प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। जहाँ पर पानी की ज़रूरत लगेगी हम डाल देंगे। एंड हमें जो पेस्ट बनाना है उसे ना बहुत थिक बनाना है और ना बहुत थिन, हमारा जो अरवी का पत्ता है उसके ऊपर ये सेट हो जाए, उस हिसाब से हमें पेस्ट को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। मैंने पत्ते को धोकर उसकी सारी नस काट ली थी, जिसका प्रोसेस आप लोग को पता ही होगा, उसका क्लिप इसलिए मैं नहीं ली थी। फिर हमें पेस्ट को पत्ते के ऊपर लगाते जाना है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आपको भी उसी तरीके से लगाना है। एक साइड पत्ते को रखकर ऊपर पेस्ट लगाना है, फिर दूसरा पत्ता हम रखकर पेस्ट लगाते जाएंगे। इस हिसाब से हमें जितना आपको रखना हो आप उतना रख सकते हो मतलब। एंड हमें इस पर पेस्ट लगाने के बाद इसको इतना प्रॉपरली रोल करना है। अगर आपसे ना हो तो आप इस पर धागा भी लपेट सकते हो रोल करने के बाद नीचे जो मतलब, और फिर जब आप इसे स्टीम दे दो तो फिर उसके बाद धागा निकाल देना है और वो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन मेरे से तो प्रॉपरली बन जाता है इसलिए मैंने धागा नहीं लपेटी थी। इस तरह से साइड से मैंने फोल्ड करी साइड आजू बाजू से दोनों साइड से एंड पेस्ट से उसे हल्का सा पेस्ट लगा देंगे ताकि वो निकल ना पाए, चिपक जाए उसके ऊपर, स्टिक हो जाए हल्का सा। फिर हमें इसे ऐसे रोल करते जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो वो फट भी सकता है, इसलिए हमें एकदम ध्यान से एंड प्रॉपरली करना है। फिर हम नीचे से यहाँ से थोड़ा सा भाग ऊपर लपेट करके इस पूरे रोल को कंप्लीट कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने जितना बन पाया था मुझसे, जितना मेरा पत्ता था उतना बन चुका था। यहाँ पर हमें इस तरीके का कुकर ले लेना है। अगर आपके पास बड़ा है तो आप बड़ा भी ले सकते हो। एंड हमें अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम भी इसे कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो ये है मेरे तरीके से इसे यूज़ करिए। इस मतलब स्टीमर बिगर भी स्टीम हो जाता है हमारा जो अरवी का भजिया है। सो इस तरीके से कुकर में ऑयल पूरे में लगा देना है, पूरे कुकर में। एंड हमें रख देना है पत्ते को, एंड टेंशन नहीं लेना है गाइस, ये हो जाएगा। फिर हमें इस तरीके से ढक्कन को बंद कर देना है एंड 5 मिनट तक हमें इसे पहले सीटी लगाकर करना है, फिर हम थोड़ी देर बाद सीटी निकाल देंगे। सीटी निकालने के बाद हमें इसे 10 मिनट तक पका लेना है। फिर 10 खोलने के बाद हमें इसे पलट कर फिर से 5 मिनट तक पका लेना है एंड ये बनकर रेडी हो जाएगा। फिर हमें इसे कट कर लेना है एंड आप इसे आराम से 10-15 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपका मन करे आप इसे निकाल कर फ्राई कर लीजिए या फिर सेलो फ्राई कर लीजिए। अगर आपको फ्राई नहीं करना है, ऑयल वाला नहीं खाना, तो आप इसे सेक कर तिल लगा कर भी सेक सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है तिल के साथ। तो सो आप लोगों की वीडियो एंड रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप लोग मुझे ये बनाकर ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह।